मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। और दूसरा एक हॉस्पिटल है जहाँ हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। मेरे पास में जब बच्चों को लेके आते माँ बाप, तो कॉमन जो प्रॉब्लम रहता है वो ये है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता, बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, बहुत पीछे लगना पड़ता है। वो सामने किताब तो लेके बैठता है मगर पढ़ाई नहीं करेगा, अंदर कुछ घुसता नहीं। जब हम काउंसिलिंग करते तो सामने आता है कि बच्चों को पढ़ाई करने, मतलब बच्चों ने पढ़ाई क्यों करना, इसकी कोई वजह उसको मालूम नहीं, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए कुछ बड़ी वजह चाहिए, कुछ करना है इसलिए पढ़ाई करना है, ये उसको मालूम ही नहीं। बच्चों को ये मालूम है कि माँ बाप पीछे लगते हैं, माँ पीछे लगती है, उसके पिताजी डैडी पीछे लगते हैं, उसको टोकते रहते हैं करके पढ़ाई करना है, या फिर बाकी बच्चे पढ़ाई करते हैं इसलिए पढ़ाई करना है, या फिर टीचर ने होमवर्क दिया है वो पूरा करना है इसलिए पढ़ाई करना है। उनको मालूम ही नहीं कि पढ़ाई करने की वजह क्या है। बहुत सारे लोग तो जिंदगी जीते नहीं है, जिंदगी काटते रहते हैं। तो ऐसे ही पढ़ाई का जो दिन है, मतलब वो पढ़ाई का टाइम जो है वो काटते जाना है, पढ़ाई बताना है कि पढ़ाई कर रहा हूँ और अंदर कुछ घुस नहीं रहा है, पढ़ाई करने का कोई मकसद, पढ़ाई करने का कोई वजह, ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि जिसकी वजह से पढ़ाई करेगा। जब बच्चों को हम काउंसिलिंग करके बताते हैं कि भाई अपना माइंड जो है उसमें एक अनकॉन्शियस माइंड है या सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड जो है या अनकॉन्शियस माइंड है उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलेंगे या अनकॉन्शियस बोलेंगे, एक ही है, वो आदत से मजबूत है, उसको पढ़ाई करना नहीं है, ये आदत लग गई, पढ़ाई नहीं करने की आदत लग गई, या व्हाट्सएप देखने की आदत, फेसबुक देखने की आदत, टाइम पास करने की आदत, गपशप करने की आदत, टीवी देखने की आदत, ऐसी आदतें लग गई है, टाइम पास करना वो आदत लग गई है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मैं उसको घोड़े की उपमा देता हूँ, घोड़ा, वो घोड़ा है, और अपना कॉन्शियस माइंड जो है वो घोड़े सवार है, वो घोड़े के ऊपर कॉन्शियस माइंड घोड़ सवार है। अभी घोड़ा कौन चलाया है? घोड़ा चला रहा है घोड़सवार। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपनी जिंदगी चला रहा है, मगर हम कंट्रोल कौन करेगा? वो अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने वाला जो है वो कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड मतलब अपना इंटेलिजेंस, अपनी समझदारी। तो वो जब तक सबकॉन्शियस माइंड को बार 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 सूचनाएं नहीं देगा, उसको लाइन पे नहीं लाएगा, उसको कंट्रोल नहीं करेगा, तो सबकॉन्शियस माइंड अनकंट्रोल है, वो कहीं भी भागेगा, कुछ भी करेगा। हम क्या करते कि बच्चों को बोलते हैं टीवी मत देख, व्हाट्सएप से मत खेल, फेसबुक पे मत जा, गपशप मत लगा। तो ये नहीं करा था बोलते हैं, मगर ये छोड़ने के लिए या घूमना फिरना नहीं है, इधर बंद करो, उधर ये करो, ये बंद करो, ये सब करना, ये सब बंद करना है, तो उसके लिए ये सब छोड़ने के लिए उससे भी बड़ी वजह चाहिए, और उसको बड़ी वजह है नहीं, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि पीछे लगते इसलिए पढ़ाई करने का। तो जो हम बच्चों के दिमाग में डालेंगे कि नहीं पढ़ना क्यों है, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा बनने का है, पढ़ना क्यों है क्योंकि मुझे कोई मतलब देश की सेवा करना है, या पढ़ना क्यों है क्योंकि मुझे कुछ ज़िंदगी में करके बताने का है, उसके लिए पढ़ने का है, तो फिर वो संभव है। मैं जब छोटा था तो 6वीं 7वीं क्लास में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बता दिया कि नहीं आप है ना डॉक्टर बनो, डॉक्टर इसलिए बनो कि स्वार्थ और परमार्थ है, डॉक्टर स्वार्थ भी है, पैसा भी मिलता है, परमार्थ भी होता है, लोग भी अच्छे हो जाते। वो इतना दिमाग में मेरे को बचपन में पक्का हो गया, जब बातें कर रहा था पेरेंट्स ने मेरे को सिखाया, पेरेंट्स ने बताया कि क्या कर सकते हैं, तो फिर मुझे ऐसा किसने बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि पढ़ाई कर, मैं खुद होकर पढ़ाई करता था, क्योंकि दिमाग में ये बैठ गया था कि मेरे को डॉक्टर होने का है तो फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मुझे उल्टा बोलना पड़ता था कि भाई पढ़ाई मत करो, बहुत होगी पढ़ाई, तो मालूम था कि भाई मेरे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलाने की है तो फिर बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क मिलाने पड़ेंगे, तो मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा। तो पढ़ाई क्यों करना है इसकी वजह बच्चों के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, इसलिए बच्चों के साथ में बातचीत होना और उनको पढ़ाई में रिस्पॉन्सिबल बनाना, जिम्मेवार बनाना वो बहुत जरूरी है।
और बच्चे भी जिम्मेदार बनते हैं पढ़ाई करने में, पढ़ाई क्यों करना है उनको क्लियर है, तो पढ़ाई करने के लिए पीछे लगने की जरूरत नहीं। जब मैं माँ बाप को ये बताता हूँ या काउंसलिंग करता हूँ तो माँ बाप को भी काफ़ी अच्छा लगता है, उनके भी जो फंडे हैं वो क्लियर हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जब माँ बाप मेरे पास में आते हैं तो खुद होकर बोलते कि नहीं अभी हमने पीछे लगना छोड़ दिया, बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट हो गए, उनको मालूम पड़ा है कि क्योंकि उन्होंने अपना गोल जो है वो पक्का किया है, ज़िंदगी में करना क्या वो पक्का किया, अभी उनको पीछे लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये वीडियो आप जरूर माँ बाप को शेयर करो, सबको शेयर करो, ताकि जो माँ बाप बच्चों के पीछे लगते पढ़ाई कर उनको ये मालूम पड़ा कि बच्चों को जिम्मेवार बनाने का है पढ़ाई करने में, तो फिर बच्चा पढ़ाई भी करेगा और माँ बाप का भी सरदर्द खत्म हो जाएगा। तो आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जरूर ये शेयर करो वीडियो, फेसबुक के अपने ग्रुप के ऊपर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।